सुर्खी, विधानसभा में 71.97% मतदान हुआ। राहतगढ़ के कांग्रेस नेता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भाईलाल मियां से हमारे संवाददाता सलमान कुरैशी ने उपचुनाव पर चर्चा की। सागर राहतगढ़ से कैमरामैन ताज कुरैशी के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे, ये जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो वादे जनता से किए गए थे और उन 14 महीनों में जो जनता के साथ किए गए वादों की अनदेखी की गई, उसके फलस्वरूप एक स्थिति ऐसी मध्य प्रदेश में निर्मित हुई कि हमारे नेता परम आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को निर्णय लेना पड़ा। और जब जनता के काम नहीं हो रहे थे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ी। ऐसी स्थिति में हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय नेता गोविंद सिंह राजपूत जी, जो कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, आज पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे राजगढ़ नगर में जो विकास दिख रहा है, कई करोड़ों की देन हमारे नेता गोविंद सिंह राजपूत जी की है विकास के रूप में, राजगढ़ नगर हो चाहे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र हो। आज उपचुनाव की बेला में यहाँ पर जो मतदान हुआ है, निश्चित रूप से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हजारों मतों से हमारे नेता गोविंद सिंह राजपूत जी विजयी होंगे, ऐसी हमारी आशा और विश्वास है। आज निरंतर जो सहयोग रहा है, ऐसे जांबाज कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही ज्यादा ना कुछ कहते हुए, जो आरोप कांग्रेस के नेता पिछले दिनों से लगा रहे थे कि गोविंद राजपूत या श्रीमंत हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ऐसे हैं और वैसे हैं, उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो असत्य पर सत्य की विजय है वो 10 तारीख को देखने मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।